हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में शुमार फिल्म फ्रेंचाइजी हेरा फेरी की तीसरी कड़ी पर काम शुरू हो चुका है। खबर है कि हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की वापसी हो चुकी है। अक्षय कुमार ने यह फिल्म पिछले साल स्टोरी को पसंद न आने की वजह से इसको छोड़ दिया था। इसी बीच भूल भुलैया 2 के हिट होते ही कार्तिक आर्यन को ये रोल दे दिया गया था। ताज़ा खबर इस मामले में यही है कि कार्तिक आर्यन अब हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इस फिल्म का अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और ये फिल्म हमें कब देखने को मिलेगी इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नीरज बोरा की लिखी स्टोरी पर निर्देशक प्रियदर्शन ने एक कमाल कॉमेडी फिल्म बनाई थी हेरा फेरी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म का सीक्वल हेरा फेरी 2 यानी कि फिर हेरा फेरी इसके 6 साल बाद रिलीज हुई और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर पहली फिल्म की तरह अच्छी कमाई की। फिल्म का निर्देशन इस बार नीरज बोरा ने खुद किया। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के निर्माता फिरोज नाडियालवाला एक लंबे अरसे से हिंदी सिनेमा में वापसी की तैयारी किए बैठे हैं और उनका मानना यही रहा है कि अगर वे अपनी वापसी हेरा फेरी 3 के साथ कर सके तो उनके लिए हिंदी फिल्म जगत में अपनी पहले जैसी प्रतिष्ठा बना पाना बहुत आसान रहेगा। हेरा फेरी 3 पर काम भी इसी तैयारी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अक्षय कुमार ने इस फिल्म की स्टोरी सुनने के बाद इसके लिए ना कर दी। हेरा फेरी 3 से अक्षय कुमार के बाहर होने की खबर पर सबसे ज्यादा अभिनेता सुनील शेट्टी चौंके थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि हेरा फेरी 3 या तो अक्षय कुमार के साथ बनेगी या फिर नहीं बनेगी। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में अक्षय कुमार की वापसी में सुनील शेट्टी ने काफी मेहनत की है। सुनील शेट्टी की इस फिल्म को लेकर परेश रावल और अक्षय कुमार के साथ कुछ दिन पहले एक बैठक होने और इस बैठक में अक्षय कुमार की सारी शिकायतें दूर किए जाने की भी खबर है। राजू, श्याम और बाबूराय की यह तीसरी कहानी अगले साल रिलीज हो सकती है। वहीं अभिनेता संजय दत्त भी अब इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं और इस फिल्म में नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। वो रवि किशन के दूर के भाई के रूप में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का जो टाइटल होने वाला है वो हेरा फेरी 4 रखा जाएगा। वहीं इस फिल्म को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं और कई दिन से ट्विटर पर ये ट्रेंड बना हुआ है कि रिमूव फरहाद सामजी फ्रॉम हेरा फेरी 3। इस फ्रेंचाइजी के फैंस चाहते हैं कि इस फिल्म को फरहाद सामजी डायरेक्ट ना करें, उनकी जगह इस फिल्म को प्रियदर्शन को ही दिया जाए। प्रियदर्शन इस फिल्म को अच्छा बना सकते हैं। एक इवेंट के दौरान अक्षय कुमार से जब सवाल किया गया कि इस फिल्म का टाइटल हेरा फेरी 4 क्यों रखा गया है, तो इस पर अक्षय कुमार ने जवाब दिया कि जब इस फिल्म का ऑफिशियल टीजर, अनाउंसमेंट वाला टीजर रिलीज किया जाएगा तब फैंस खुद समझ जाएंगे इस फिल्म का नाम हेरा फेरी क्यों है। तो अब बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल टीजर, जो अनाउंसमेंट टीजर होने वाला है, वो कब रिलीज किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च सन 2023 को इस फ्रेंचाइजी को पूरे 23 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इसी की खुशी को मनाते हुए मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीजर इसी दिन रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीजर 31 मार्च सन 2023 को ही रिलीज किया जाना है। और जब इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया जाएगा तो उसमें हमें ऑफिशियल रिलीज डेट भी बता दी जाएगी फिल्म की। वैसे मैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बताऊं तो इस फिल्म को दिवाली 2024 पर रिलीज किया जाना है। आई होप आप फुल्ली तरह अपडेट हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।